केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 2 साल होने पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। वहीं सिवनी जिले के लखनादौन में विधायक दिनेश राय मुनमुन, जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जयदीत सिंह चौहान एवं विधानसभा प्रभारी योगेश शिवहरे के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन काल का यह 7वां वर्ष है और द्वितीय उनका जो कार्यकाल है उसका ये द्वितीय वर्ष हमारा 30 तारीख को हुआ है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उनका जो कार्यकाल रहा है, चूंकि वो सेवा भाव से ही लगे रहे हैं, इसलिए सेवा ही संगठन के माध्यम से हम सब ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता रहा है उसने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम और इसके अलावा स्वच्छता से लेकर के जो कोरोना पीरियड में जिन नर्स डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों ने जिस प्रकार से यहाँ सेवाएं दी उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। साथ ही साथ वृक्षारोपण से लेकर के सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण, राशन वितरण और इस प्रकार के जितने भी सामाजिक दर्द के कार्यक्रम थे वह कहीं ना कहीं करने का काम कार्यक्रम प्रत्येक मंडल पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से किया है। और आज भी इसी क्रम में यहाँ लखनादौन में हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप युवा मोर्चा के तत्वाधान में निश्चित रूप से हो रहा है। आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से और समस्त लोगों के माध्यम से हम जन जागरण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना कार्यकाल के पहले भी हमने जिस प्रकार से हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ और अन्य लोगों के माध्यम से हमारा पूरा जो तंत्र था उसने वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार भी किया और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित अभी भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक इसका कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है।